सिमरो अंगद दुख निकंदन अमरदास गुर हृदय त्याग गुर हृदय त्याग श्री गुरु रामदास गुण गावो श्री अर्जुन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुर हर कृष्ण मनाए बहो श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला तरों तहरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदों बार बार जगदीश जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैरा श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदों कर अनुराग श्री गुरु शब्द कमाए जिन जीते पंच विकार तिन संतन को वंदना सिर चरणन परतार एक अंकारा सतगुरु तेह प्रसाद सच होय वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी अनंत मुरारी सुमत महानी महापुरख सिख आत्म ज्ञानी अनद मुरारी सुमत महानी परम सम्मान जो गुरु रूप गुरु खालसा सात संगत जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड्डिया भागां वाले हो जिन्हां नूं दसम पातशाहियां दे पावन प्रतक स्वरूप तख्त चबर छत्र दे मालक सतगुरु लोक परलोक दीआं बख्शिशां दे दाते सतगुरु धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी विखे जुड़ करके दमदमी टकसाल दे मुख केंद्रीय स्थान गुरद्वारा गुरदर्शन प्रकाश मेहता विखे जून 84 का जो तीसरा घल्लूघारा वापरिया उस घल्लूघारे दे समूह शहीदां दी याद विच आप संगतां अज दूसरे दिन का यह शहीदी समागम है। इन्हां शहीदी समागमां दे अंदर आप संगत हाजरी भर रहे हो
आप संगतां ने भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी दे रागी जथे तों गुरबाणी दा बहुत ही रस पिन्ना कीर्तन सरवण कीता है। सत संगत जी, अज दमदमी टकसाल दे चौदवें मुखी कथनी करनी दे पूरे सूरे सूरबीर महाबली योधे महापुरख अमर शहीद संत ज्ञानी जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरां वालियां दा आगमन जन्म दिहाड़ा भी है, क्योंकि 2 जून 1947 नूं महापुरखां दा पावन जन्म नगर रोडे विखे बहुत ही पवित्र ते निर्मल आत्मा गुरसिखी रहते परपक धारनी बहुत ही उच्चे सुचे जीवन वाले सन्मान योग जथेदार बाबा जोगिंदर सिंह जी दे ग्रह विखे बहुत ही नाम रस दे विच भिजी आत्मा निर्छल आत्मा पवित्र आत्मा तपस्वी आत्मा माता निहाल कौर जी की कुख तो अज दे दिन महापुरखां दा पावन जन्म होया। सत संगत जी, जिथे महापुरखां दे पिता जी गुरबाणी दे बड़े परपक नितनेमी सन, पंजां ककारां दी रहत दे परपक धारनी सन और दसां नौहां दी धर्म दी उच्ची सुची किरत करन वाले सन, हमेशा गुरमत दे सिधांतां दे उत्ते अटल दृढ़ता पूर्वक अडोल पहरा देण वाले सन, उत्थे महापुरखां दे पूजनीक माता माता निहाल कौर जी दी करनी भी बड़ी महान सी। तुसी दर्शन कीते आ, उहनां दे दास नूं भी दर्शन करन दा सुभाग प्राप्त होया कि उहनां दे पवित्र हत्थां दे विच हमेशा एक माला रहिंदी सी, जिस माला दे नाल ओह सारा दिन मूल मंत्र दा जाप करदे सन। और तुसी हैरान होवोगे कि किन्ना क अभ्यास सी उस माता दा, 101 पक्की माला मूल मंत्र दी फेरनी, 36 माला मूल मंत्र दियां फेरन लई दिन दा बहुत लम्मा हिस्सा लग जांदा। 24 घंटियां विच्चों 10-12 घंटे जे 36 माला फेरनियां होण मूल मंत्र दियां तां लग जांदे है, जिन्हां गुरमुखां दा अभ्यास परपक हो जांदा उहनां नूं कई वारी घट समां भी लगदा है, पर माता जी 101 पक्कियां माला मूल मंत्र दियां फेरदे सन। और होर भी उन्हां दे उत्ते एक वड्डी कृपा देखी है कि जदों भी उन्हां ने प्रशादा तैयार करना बड़ी सुचमता दे नाल मूँह दे उत्ते बस्तर लै के चेहरा ऐन चंगी तरह ढक के बर्तन स्वाह ते रेत नाल चंगी तरह सुचम दे नाल उन्हां नूं पवित्र करना, सुकमांज करना और सिमरन करदिया आटा गुनना, दाल सब्जी जो घर विच आ उह तैयार करनी, फिर 5 प्रशादे पका के थाली विच सजा के और उत्ते बस्तर दे के कोले जल रख के अपनी श्री साहब आप मांझ के सुक मांझ करके वह सारे बर्तना नूं सुक मांझ रख्या करदे सन। पुरातन गुरसिख बर्तना की जिहड़ी सुचमता सी उस नूं सुक मांझ दे रूप विच ऐन रेते नाल ही मांझ मांझ के सुका लैने, स्वाह नाल सुका लैने। चलो धोण का भी कोई डर नहीं है, कई बारी बर्तना विच रेता ते स्वाह रह जांदी है, उहदे नाल कोई सुचम नूं फर्क नहीं पैंदा, पर पुरातन गुरमुखां दा इह नियम सी ਉਹ ਸੁੱਕ ਮਾਂਜ ਬਰਤਨ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਲ ਰੱਖਣਾ, ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂਜਣੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਕਾਉਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ
बली रहा तकड़ा रहा घर दे विच लंगर पानी बनाउण दे योग रहा उन्ना चिर उन्हां ने अपना ये जीवन का नियम लगातार बना के रखिया। ऐसी पवित्र आत्मा सन माता निहाल कौर जी सात संग जी धरती तैयार की हुई होवे उस विच जे बीज पाइए तो बीज चंगा उगरदा है, खेती वधिया तैयार होंदी है, फसल बड़ा नकाल दंदी है, फसल विच्चों वड्डा लाभ प्राप्त होंदा। उस माता दी धरती बड़ी पवित्र और निर्मल सी, जिस माता दी कुख दे विच महापुरखां दा आउणा होया, क्योंकि सतगुरु महाराज जी की गुरबाणी का फरमान है, तीन धन जनेंदी माओ आए सफल से। ओ माता धनता दे जोग है जिसने प्रभु दे प्यारियां नूं संसार ते जन्म दिता है, जिदे आउण नाल संसार सफला हो जाता है। सो माता जी सारी जिंदगी मूल मंत्र का अभ्यास उन्होंने परपक रूप दे विच कीता और सतगुरां दी सेवा कीती। बड़ी भै भावना विच रहण वाले, बड़ी गरीबी विच, निम्रता विच, संकोचमां ते संजम भरपूर, सादगी भरपूर उन्हां दा जीवन सी। कोई वाधू घाटू बचन नहीं उन्होंने कदे भी करना, और बड़ी भावना दे नाल जिहड़े गुरसिख घर विच आउणे उन्हां दी भी बड़े सन्मान पूर्वक सेवा करनी। सो साध संगत जी बहुत ही सुंदर सतरां एक गुरमुख प्यारे सिंह ने महापुरखां दे जीवन उत्ते लिखियां। वह कहिंदा तानो धरती तानो बापू तन वडभागी माई ढंग ज्यों दा जिसदा पुत्र दस ग्यों सदियां ताई। दुनिया नूं ज्यों दा ढंग सदियां तक दस्या उस आत्मा ने। उस आत्मा की माता भी धनता दे जोग है, पिता भी धनता दे जोग है, वह धरती भी धनता दे जोग है जिथे उन्हां दा जन्म होया। हुण तां सतगुरु जी की कृपा नाल जथेबंदी वालों उन्हां महापुरखां दा जन्म स्थान रोडे नगर विच गुरद्वारा संत खालसा तैयार करके बड़ी सुंदर सेवा करवाई गई है, जिथे अठे पैर गुरबाणी का प्रवाह चलता, कीर्तन कथा का प्रवाह चलता, लंगर चल रहे है, संगतां सेवा दे विच लगियां रहिंदियां हन। सो ये उन्हां महापुरखां की करणीदाई प्रताप है। सो ऐसे महान उन्हां दे माता पिता सन, और आप भी वो बड़े उन्हां बाबत मैं की कह सकदा हाँ, उन्हां दी करणी नूं सारा संसार ही जानदा है। सत संगत जी भगवान श्री हरु हरि जिन्हां नूं भगवान विष्णु जी कहा जाता है, उन्हां दा एक थां ते कथन है। भगवान विष्णु कहिंदे है के जो प्रभु परमेश्वर है उस नूं सब तो प्यारी जिहड़ी वस्तु है संसार विच्चों, वो सब नालों वध जे किसे नाल प्यार और स्नेह करदा वो अपने भगतां नाल करदा। अकाल पुरख की सब तो प्यारी वस्तु दे संत दे भगत दे महापुरख हन। और भगवान विष्णु कहिंदे है जदों प्रभु अपने संतां नूं संसार दे उत्ते परउपकार करन ते संसार दा भला करन वास्ते मात लोक ते आप भेजदा है, तां उन्हां दी उमर तों कोई व्यक्ति ये अंदाजा नहीं ला सकदा कि छोटी उम्र दे विच करतब क्यों वड्डा कीता, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हां तों संसार दे भले दी सेवा लैनी हुंदी है,
इस लिए उन्होंने सारे गुणा नाल संपन्न करके सारे साधन उन्होंने आप बना के उन्होंने केवल संसार के भले वास्ते मात लोक ते भेजदा है। आपां जदों वेखदे हां कि बहुत वड्डियां वड्डियां महान आत्मा इस संसार ते जिहड़ियां होईयां उन्हां दी बड़ी थोड़ी शरीर करके उम्र होई है, बहुत छोटी छोटी उम्र दे विच ही उन्होंने संसार ते सतर्ज करिश्मे कीते है। अष्टावक्र जी जीवन मुक्त ब्रह्म ग्यानी होए जिन्होंने राजा जनक नूं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिता सी, उन्हां दी उम्र किन्नी सी? बालक उम्र ही सी उन्हां दी। बालक उम्र विच ही उन्होंने राजे जनक नूं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे दिता सी। और आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने वेदां का पाठ किया, जिन्होंने सनातन धर्म की संस्कृति नूं बचाउण वास्ते जो ना आउंदे तां सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति अज इत्थों सानू किते नज़र नहीं आउणी सी, ओ सारी संस्कृति ने विलुप्त हो जाणा सी। वो बड़ी छोटी उम्र दे विच आए, छोटी उम्र दे विच ही चले गए संसार तो। बहुत उदाहरण हैं। सो महापुरखां दी भी जदों आपां उदाहरण वेखदे हाँ, 47 विच उहनां दा जन्म हुंदा, 30-31 साल की उम्र सी साध संगत जी जिहनां जदों उहनां नूं दमदमी टकसाल दे जथेबंदी दे मुखी दे तौर ते इह सेवा प्राप्त होई। और यह सेवा प्राप्त करके 6-7 साल उन्होंने एडे महान करतब किए, एडे वे संघर्ष उन्होंने किए। और 36-37 साल के जून 84 के शहीदी हो जाती है। किन्नी उम्र सी उन्होंने शरीर करके, पर जदों उन्होंने करतब आप वेखते हाँ सैकड़े साल सदियां दुनिया के खोजकारा ने उन्होंने जीवन उत्ते खोज विच लगे रहना और उन्होंने एक एक गुण का वर्णन करना और पता नहीं किन्ने क ग्रंथ तैयार होने उन्होंने उस्तति विच कि उन्होंने किड्डे वड्डे वड्डे विशाल करतब किए, महान संघर्ष किया। जिहड़ियां ऐसियां आत्मावां हुंदियां हन साध संगत जी, आप लिए लड़ लाए दर दरवेश से, तीन धन जने दी माओ आए सफल से। प्रभु ने उन्होंने अपने लड़ आप लाया हुंदा, आप ही उन्होंने संसार दे भले वास्ते पर उपकारा वास्ते भेजदा। कई वेरी महापुरख बड़ा गंभीर उन्हों का जीवन सी वैसे था, पर कई वेरी जदों अपनी मौज विच आउंदे तां उन्होंने बचन कई वेरी कहना, कहिंदे हड चमड़े दा ये गुथला रख के लम्मा समा की लैना। दोबारा फिर सुनो ध्यान नाल, ये जिहड़ी शरीर की पोटली है अपनी बनी हुई, ये भाई हड ते चमड़े की है ना। उन्होंने कहना हड चमड़े का यह गुथला ये पोटली रख के लम्मा समा की लैना। कहिंदे सेवा महाराज साहब लैन, सेवा करके सतगुरु के चरणों में सुरखरू हो के जाइए। ये बड़ी प्रसन्न मुद्रा दे विच कई वारी ऐसे बचन कहा करते सन। कहिंदे लम्मियां उमरां दे नाल कोई बंदा बहुत वड्डियां प्राप्तियां नहीं जीवन विच कर लैंदा। और जपजी साहब की पौड़ी पढ़िया करते सन, कहिंदे जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खंडा विच जानी है नाल चले सब कोए, चंगा नावर खाए कै जस कीरत जग ले, जे तिस नदर ना आवई ता बात ना पुछे के, कीटा अंदर कीटकार दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। इस करके साध संगत जी उन्होंने बड़ी छोटी शरीरक उम्र दे विच वो करतब करते जिहड़े दुनिया का इतिहास बन गए। ऐसी महान पवित्र शूरवीर आत्मा उन्हां महापुरखां दा अज जन्म दिहाड़ा बड़ी श्रद्धा भावना नाल संगतां सारे संसार भर विच ही मना रही, और शहीदी दिहाड़ा भी उन्हां दा इन्हां दिनां दे विच ही होया। कुदरत दा सुमेल
2 जून का उन्हों का पावन जन्म है, आगमन है। वैसे तो जन्म ऐसिया आत्मावान ये शब्द नहीं वरत्या जाता, अवतार प्रकाश दिहाड़े शब्द सतगुरु साहबाना होंगे है, करनी वाली आत्मावान संतां भगतां महापुरुखां गुरसिखां गुरमुखां ब्रह्म ज्ञानियां आगमन दिहाड़े होया करते हैं, क्योंकि जमन मरण की कैद साड़ी संसारी जीवां दी है। असी लोग आपां जिहड़े हैं आपां 84 लाख जूनां दे विच आके जन्म लईदा, फिर अपना समां भोग के मर जाईदा, पर प्रभु दे प्यारे जम्मण मरण ना तिन को जो हर लड़ लागे, जीव से प्रवान होए हर कीर्तन जागे, यूं जम्मण मरणों बाहरे गुरमुख पर उपकारी आए। भाई साहब भाई गुरदास जी ने भी कहा है वो जम्मण मरण तो रहत होया करते हैं, वो जम्मण मरण की कैद के बंधना विच नहीं होया करते, इस करके उन्हों का आगमन भाव आउंदे है। परमेश्वर बड़े सन्मान नाल उन्हां नूं मात लोक ते भेजदा, और फिर उस वाहिगुरु की रजा विच संसार दे उत्ते परोपकार करदे है। जदों उहदी रजा हुंदी है जिस रूप दे विच उन्हां नूं उहने वापस जाण की आग्या कीती हुंदी है, उस रूप दे विच वाहिगुरु दे प्रभु दे भय विच उहदी आग्या विच रह करके उमें अपने शरीर नूं परोपकार दे लेखे ला के सफला करके अपने प्यारे परमेश्वर दी दरगाह नूं वापस चले जांदे है। आउंदे भी उहदे हुकम विच है और जांदे भी उहदी आग्या विच है। इस करके उहनां महापुरखां दा इहनां दिनां विच उहनां नूं धर्म दा जंग लड़ना पिया। अज 2 जून है, 2 जून नूं श्री हरिमंदर साहब जी दियां परिक्रमा दे दुआले श्री अकाल तख्त साहब जी दे इर्द गिर्द जालम फौजां दी बड़ी भयानक घेराबंदी है, और ये जंग साध संग जी कोई ये नहीं कि 2 घंटे जंग लड़ लिया फिर कोई आराम लई समा मिल गया, जिवें फौजां दे अंदर लोग देशां दियां फौजां जंग लड़दियां और जंग लड़ के फिर आराम करन चले जाते हैं, ये जंग 24 घंटे उन्हां सिंघां नूं महापुरखां की अगवाई विच लड़ना पिया। कोई खाण वास्ते उन्हां लई पदार्थ नहीं बने हुए सन, महापुरखां नूं पता सी सब तो पहला उन्हां ने तैयारियां करवाइया हुई सन, भुज्जे छोले रखे हुए सन सारे सिंघां लई लै करके, और 2-2 मुठ्ठा छोलियां दियां भुज्जियां दियां खाणियां जल पी लैना, ते 24 घंटे मोर्चियां दे विच रह के जंग लड़ना 24 घंटे लगातार। 6 जून तक इन्हां सिंघां ने इन्हां सूरमियां ने इन्हां बहादुरां ने इन्हां साढ़े जान तो प्यारे शहीदां ने जालमां नाल लोहा लिया, डट के मुकाबला किया, सिर मथे मुकाबला किया, और खिड़े मथे इन्होंने जंग लड़ी है। इसलिए साध संगत जी ऐसे महान शहीदां दी आपां सिमरती विच बैठे हाँ, पर महापुरखां दे आगमन दिहाड़े दी मैं इत्थे भी और देश विदेश विच जिथे जिथे भी संगतां बैठियां सारिआं नूं अपने वल्लों लख लख वधाई दिंदा। आओ हुण धन गुरु अर्जन देव साहब सच्चे पातशाह जी दे गुर इतिहास की कथा आप संगतां बड़ी श्रद्धा भावना नाल सरवण करो। सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच भाई मुरारी जी, भाई नानो लटकण और भाई आलम चंद, इस तरह भाई तालवाड़ भाई सहसारा तालवाड़ ये ताद के गुरसिख आए है, बड़ी सुंदर रसदायक गुरसिखां दे प्रसंगां दी कथा है। इस कथा नूं सब तो पहला भाई गुरदास जी ने अपनी बाणी दे विच आप अंकित किया, सतगुरु जी दे समय दे सिखां दा वेरवा इकट्ठा करके धन गुरु नानक देव जी तो लैके 6वें पातशाह जी दे तक जिन्ने सिख सन उन्हां सारिआं सिखां दी आप जी ने एक लड़ी बनाई, और 12 भाई गुरदास जी दे विच उन्हां दा सारे गुरसिखां दा सारिआं दा तां कठन है, जिहड़े नामी नामी सिख सन, खास खास जिहड़े आत्म ज्ञानी सिख सन
उन्हां दा वेरवा दिता। उत्थे केवल वेरवा ही मिलदा जां किते बहुत संखेप रूप दे विच जो सिख दे प्रति सतगुरु दा हुक्म होया एक अद्धी थां ते ऐसे वेरवे मिलदे है, पर विस्थार दे विच अमर शहीद महापुरख ब्रह्म ज्ञानी धाय धन भाई मनी सिंह जी ने उन्हां गुरसिखां दी दसम पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी दी आग्या नूं पा के उन्हां दा सारा जीवन ब्यौरा लिखिया जिस दा नाम है गुरसिखां दी भगत माला, जिहड़ी डॉक्टर भाई वीर सिंह जी ने छपवाई बाद दे विच ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਂਗੂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੋਲਦੇ ਸਾਂਝੀ ਸਗਲ ਜਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਹੁਕਮ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਵਕਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਐਸਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਐਸੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਸਾਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਐਸਾ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਖੀਆਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਧੰਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਅਮਰ ਰਚਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਪੂਰਨ ਪੋਥੀ। ਉਹ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਆਤ ਹਿੱਤ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕਰੋ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਲਈ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਦ ਮੰਤਰ, ਕੁਰਾਨ ਦੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਨ ਈਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹੈ, ਬੋਧੀ ਲੋਕ ਬੋਧ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਜਪ ਕਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਵਸਤੂਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਇੱਛਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਬੰਨੇ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਭਟਕਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੈਂ ਹੈ ਸੋ ਤੂੰ ਢੂੰਡ ਖਾਹੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੀ ਕੇ ਮਤ ਹੀ ਜਾਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੂੰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਮਰ ਬਾਣੀ ਹੈ,
पवित्र बाणी है उहदे विच कोई कमी है। इस बाणी सर्व शक्तिमान और सर्व कला समर्थ गुरु की बाणी का एक खजाना सतगुरु ने सानू बख्शिया। गुरबाणी अनंत शक्तियां दी मालक है और जे संसार दे दुखां तों भी बचना तां संसार दे दुखां तों बचण वास्ते भी गुरबाणी दे आसरा लैणा। होर जाणा कित्थे आपां, कई वारी ऐसे दुख आ जांदे आ, बंदे दी बेबसी हुंदी है, वस नहीं चलदा और बड़ा बंदा तड़फदा, उन्हूं तड़फण ते भटकण दी लोड़ नहीं, उह सतगुरु जी दी बाणी दा लड़ फड़े, गुरबाणी दा अभ्यास करे। असली जिहड़ी सतगुरु दी गुरु कृत परमेश्वर कृत बाणी है ना, उसे विच ही सारियां शक्तियां, सारे सुख, सारियां बरकतां समाईयां हुंदियां। आम बंदियां दी रचना दे विच नहीं कुछ भी हुंदा। बाणी दे लड़ लगो, बाणी तो दूर ना जाओ। मैं आप महापुरशां नूं कहिंदे सुनिया, किसे सिंह ने संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी पास बेनती कीती। ओ सिंह महापुरशां नूं कहण लगा, जी बड़ी तंगी है, बड़े कष्टां दे विच दिन गुजरदे है, कृपा करो। संत कहिंदे, भाई घोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाबख्यादं मटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पाव काष्ट पसमं करोत। संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा जी दे मुखार बिंद बचन है, कहिंदे धन गुरु अर्जन देव जी दी बाणी है, सहस्कृति श्लोकां विच श्लोक आउंदा, मूल मंत्र वाहिगुरु मंत्र नाल ला के दा अभ्यास कर, तेरा सारा कष्ट कटिया जाएगा, कर लै जाप, गुरु साहब दी बाणी कृपा करेगी, बख्शिश करेगी। ओ सिंह ने महापुरखां दा बचन मन के अभ्यास किया और मर्यादा विच रह के किया। फिर 6 महीनों बाद आया ते कहन लगा, जी हुण बड़ी कृपा हो गई है, तुहाडा बचन मन लिया और मैं सतगुरु अगे बाणी दा अभ्यास करके अरदास कीती, मेरे कष्ट कटे गए है। सो भाई इस करके मैं तां बेनती करदा, कई जिहड़े खुशक ख्याली सिख है ना, उहनां नूं खुशक किया करो। खुशक ख्याली सिख है ना, वह एवें निक्की निक्की गल ते तर्क पैदा करी जांदे, आ भी ब्राह्मणवाद है, आ भी ब्राह्मणवाद है, उहदे नाल संगतां दी शरदा विश्वास जिहड़ा टुटदा, दूर हुंदे है, गुरबाणी तो सिख दूर जांदे है। आ मैं कल भी जिक्र कीता सी ब्रह्म कवच दा, जे गुरबाणी विच कुछ ना होवे फिर ब्रह्म कवच कोले दौड़े जाओ। तुसीं ब्रह्म कवच जदों सतगुरु दी रचना ही नहीं है तां उहनूं पढ़ के की मिल जाणा तुहानूं। बाणी पढ़ो, बाणी नाल जुड़ो, बाणी कोलों जो मर्जी प्राप्त करो। तुसीं सानूं गुरबाणी तो दूर नहीं जाना चाहीदा। इस करके शरदा पूर्ण पोथी भाई साहब ने रची सी, उहदे विच इही साधन लिखे सन उहनां ने सारे, पर उहदा असली खरड़ा नहीं मिलदा। इह भी मैं तुहानूं बेनती करदा, असली खरड़ा लुप्त हो चुका, बाद वालिआं ने उहदे विच बहुत फर्क पा दित्ते। हुण वाला जिहड़ा खरड़ा उहदे विच बहुत कई अनमत दीआं गल्लां भी हन और मनमत दीआं भी कई गल्लां उहदे विच लिख दित्तीआं गईआं हन। पर भाई मनी सिंह जी ने सतगुरु कलगीधर जी की आग्या विच वो सारे साधन लिखे सन, अपने भले वास्ते, गुरसिखां दे भले वास्ते, के किते भटकण ना, किते जाण ना। साध संगत जी, सतगुरु जी ने उन्हां शब्दां दे विच आप ही सारा जिक्र कर दिता गुरबाणी दे अंदर, ताती वाह ना लगई पार ब्रह्म सरनाई। हुण कीर्तन सोले दी अथानका पढ़ लो, उहदे विच की जिक्र आउंदा कि आली सिख दिने कीर्तन सोले दा पाठ करी जांदा ते अपने पशु चारी जांदा, तां धन गुरु नानक साहब जी करतारपुर साहब सुभायमान है और दिने सतगुरु बराजे हुए है धर्मशाल दे विच, चरणा दे विच कंडे दिखाई दिते लगे हुए, पिन्नियां ते सतगुरु जी दे झरीटां पईआं हुईआं वेखियां और विचों खून सिमदा है,
ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਰਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਡੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੱਕ ਝਰੀਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁਰਖਾ ਇੱਕ ਭੋਲਿਆ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਬਸ ਉਹ ਦਿਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਣ ਇਹ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਇਹਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਰਾਜਣ ਲੱਗਿਆ ਪੰਜ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਝਰੀਟਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਨ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਧਰਮ ਅਰਥ ਕਾਮ ਮੋਖ ਦੀ ਦਾਤੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੋ ਕਿਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਮਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਚੀ ਨਾ ਇਸ ਭਗਤ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੈਸੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਨੰਦ ਮੁਰਾਰੀ ਸੁਮਤ ਮਹਾਨੀ ਬੜੇ ਸੁਮਤੀ ਦੇ ਦਾਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸ਼ੁਭ ਮਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਮੁਰਾਰੀ ਜੀ ਜੋ ਅਨੰਦ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੱਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਆਤਮ ਸਰੂਪ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾਨੋ ਲਟਕਣ ਜਾਤ ਸੁਜਾਨਾ ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਭਾਈ ਲਟਕਣ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਿੱਖ ਸਨ ਬਿੰਦਰਾਓ ਸਿੱਖ ਮਿਲ ਕਲਿਆਣਾ ਇਹ ਬਿੰਦਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿੰਦਰਾਏ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਲਪ ਲਿਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਿੰਦਰਾ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਈ ਨਾਨੋ ਲਟਕਣ ਆਲਮ ਚੰਦ ਹਾਂਡਾ ਜੋ ਉਚਾਰਾ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਲਿਆਣ ਕਲਿਆਣਾ ਔਰ ਭਾਈ ਆਲਮ ਚੰਦ ਹਾਂਡਾ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਆਲਮ ਚੰਦ ਹਾਂਡਾ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸੀ ਤਾਲਵਾੜ ਬਹੁਰੋ ਸਹਿ ਸਾਰਾ ਭਾਈ ਸਹਿ ਸਾਰਾ ਤਾਲਵਾੜ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ ਸਭ ਮਿਲ ਕਰ ਜਨ ਮਨ ਜਗਿਆਸੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸਾ ਆਈ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸਾ ਮਿਤੀ ਇਤੀ ਜਗਿਆਸਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ
परमेश्वर की प्राप्ति की इच्छा पैदा हो गई उसनू जग्यासु कहा जाता। आसा जाग पैनी, जग्यासा का अर्थ है आसा, वो इच्छा वो संकल्प तुहाडे अंदर जाग पैना जिस संकल्प नाल वाहिगुरु की प्राप्ति हो जाए। शुभ गुणा नू धारण करन वास्ते मन विच इच्छा पैदा हो जाए। जग्यासु की बहुत वड्डी साधना है, बड़ी कठिन साधना है। जग्यासु साधना करदा करदा ही अपने गुरु परमेश्वर दे तक पहुँच पाउंदा है। इस करके ये अपने हिरदे विच गुरु परमेश्वर वाहिगुरु की प्राप्ति की इच्छा लैके सारे मिल के सतगुरु जी के दर्शन करन आए हैं। आप महाराज के चरणों च कोई दुनिया के सुख लैण वास्ते आउंदा, कोई मुक्ति लैण वास्ते आउंदा, कोई शरीर के कष्ट कट्टण वास्ते आउंदा, पर परमेश्वर की प्राप्ति का इच्छक कोई विरला ही है जिहड़ा सतगुरु के चरणों में सतसंगत दे विच आउंदा है। इसलिए इन्होंने भाई केवल वाहिगुरु की प्राप्ति की जिज्ञासा इच्छा लेके आए हैं। मिलके आए श्री गुर आए श्री अर्जन के पासी, धन गुरु अर्जन देव साहब जी की हजूरी विच आए हैं दर्शन करन वास्ते। कर बंदन को अर्ज गुजारी, सतगुरां नूं नमस्कार करके मत्था टेक के बेनती की अर्ज गुजारी है। गुरु गरीब निवाज मुरारी, ए मोर हंकार रूप दैंत नूं कट्टण वाले जिहड़ा मुरारी शब्द है ना, मोर दैंत नूं मारन तों परमेश्वर दा नाम भगवान दा नाम मुरारी पिया। और मोर सब तों वड्डा मोर दैंत की आ हंकार, हंकार नालों वड्डा दैंत कोई नहीं। और हंकार रूप दैंत नूं कट्टण दी समर्था गुरु साहब विच जां वाहिगुरु परमेश्वर विच है। इस करके भाई जिहड़ा हंकार रूप दैंत नूं कट्टण वाले गरीबां नूं नवाजण वाले हे मुरारी सतगुरु जी, देहो उपदेश हर हो दुख भारा, ऐसा उपदेश दिओ अपने चरणां विच्चों जिहड़ा सब तों वड्डा भारी दुख है। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਭਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਟ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਸਭ ਕਰੋ ਉਧਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਬਾਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬਚਨ ਪਰਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਹੇ, ਕਰੋ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਨਿਤ ਅਭਿਆਸਾ। ਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾਮ, ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਅਭਿਆਸ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਪਣਾ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਸੁਰਤ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਲਿਵ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਮਨ ਨਾਲ ਜਪੋ, ਸਵਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ, ਲੇਹ ਵਿੱਚ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਜਪਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਬਾਰ ਬਾਰ, ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਨਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼। ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਬਣੋ। ਸਿੱਖ ਸੰਤਨ ਕੀ ਸੇਵਾ ਧਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਭਾਵ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ।
सतनाम को सिमरन करिए। वाहिगुरु परमेश्वर ओदे नाम दा सिमरन करना करो। सुनत गुरु ते सबन बखाना। सतगुरु जी दा वचन सुन के फिर सारे ने बेनती कीती है। हम जब शब्द सुनहे दे काना। हे महाराज जदों असी ना कान दे के ध्यान नाल देखो ध्यान बड़ी वड्डी शक्ति दा एक केंद्र मन्या जांदा है। तुहाडा ध्यान नहीं ना किसे गल विच बंदा सारी दिहाड़ी बोली जावे कोई कही जावे तुहानू सुनिया भी उहदा कोई असर नहीं होएगा सुनिया भी अणसुनिया वर्गा ही लगेगा। ते जे तुहाडी बिरती एकागर है ध्यान जुड़िया होया है ता जो जो बचन तुसी सुनोगे एक एक तुहानू चेते हो जांदा चेते विच वस जाना किसे शब्द ने ये ध्यान द्वारा ही सारी प्रक्रिया होंदी है। इस करके महाराज कहिंदे भाई जेड़ा गुर शब्द है ना इहदा कल्ला जबान नाल ही ना जाप करी जाया करो। ये कहन लगे हम जब शब्द सुने दे काना। हाँ जी कहिंदे जदों असी महाराज कान दे के पूरे ध्यान नाल शब्द नूं सुनदे हाँ जिहड़ा गुर शब्द असी रसना नाल बोलदे हाँ गुरसिख ने मूल मंत्र बोलिया रसना नाल उचारिया वाहिगुरु मंत्र उचारिया कान दे के सुनियो बड़ा समा लग जांदा और सुन नाल ही मन की बिरती जुड़दी है शब्द विच एकाग्रता तां ही आउंदी है। तुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी। धन श्री गुरु नानक देव जी ने चार पौड़ियां श्री जपजी साहब विच सरबण दे महात्म दियां उचारियां। एक जे एक नाल ही गल बनदी हुंदी तां इक्को इक्को वेरी कह दिंदे। चार पौड़ियां सरबण दियां उचारियां सतगुरु जी ने और फल भी दस्या भी जिहड़ा गुरसिख पूरी मन की बिरती नूं एकागर करके बाणी नूं सुन लैंदा नाम अभ्यास नूं सुनदा है ऐन जो मुखों बोलिया एक एक शब्द कन्ना नाल सुन लवे उहदे ते दो वड्डियां बख्शिशां हुंदियां। नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास। तीन बख्शिशां एक तां उहदे अंदर भगती दा खेड़ा पैदा हो जांदा ऐन मन खिड़ जांदा उहदा रोम रोम खिड़ जांदा। दूजा उहदे दुख भी नाश हो जांदे ऐ तीजा उहदे पाप भी मिट जांदे ऐ। इन्ना सरबण दा महात्म दस्या गुरबाणी दे विच नाम दा महात्म गुरबाणी विच होर थावां ते भी वर्णन है ना ही सुनिया मन सिद्ध है। इदां दीआं पंगतियां सारियां आउंदियां हन कि नाम नूं सुन के भाई सारियां रितियां सिद्धियां सब प्राप्त हो जांदियां हन। नाम नूं सुन के आनंद प्राप्त हो जांदा है नाम नूं सुन के दुख कट्टे जांदे है नाम नूं सुन के शरीर दे रोग भी कट्टे जांदे है और सतगुरु जी फरमान करदे है दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। जिन्हां ने सच्ची बाणी सुन ली ना ध्यान पूर्वक सुन ली उन्हां दे दुख पाप सारे कट्टे जांदे है। इस करके बाणी नूं कन्नां नाल सुनना ये अवस्था है। धुन मैं ध्यान ध्यान मैं जानिया गुरमुख अकथ कहानी। फोटो दा ध्यान करन दी तां लोड़ है ना जे परमेश्वर ने कन्न ना लाए होण तुहाडे। सतगुरु जी ने सुखैन साधन दस दिता कि भाई तू बाणी दी जिहड़ी धुन बोलदा ना रसना नाल उचारदा इस धुन विच ध्यान दे भाव ध्यान की देना सुनना कर। जदों तू एक एक अखर सुनेगा गुर शब्द दा बाणी दा तां अकथ कहानी जिस वाहिगुरु परमेश्वर दी आ उह तैनू प्राप्त हो जाएगा। इन्ना फल सरवण करन दा है मन की एकाग्रता बनाउणी सरवण द्वारा बनेगी। जे सुनदे नहीं तां जिन्ना मर्जी जपी जाओ एकाग्रता नहीं बनदी। एकाग्रता तो बिना अगे रस नहीं आउंदा आनंद नहीं आउंदा आनंद आए तो बिना मन कदे शांत नहीं हुंदा।
बाणी पढ़ के सुन के जदों मन विच जाके बाणी वसदी है ना, फिर ऐन मन तरोताजा हो जांदा, हल्का फुल वर्गा हो जांदा, ऐन शांति दे विच आके मन टिक जांदा, उहदे विचों फिर रस पैदा हुंदा, आनंद प्राप्त हुंदा। इस करके भाई ये सिख कहिंदे महाराज जदों कन्न दे के शब्द नूं सुणदे हां, फिर वाहिगुरु का सिमरन करदिआं मन निमर नीमा हुंदा है, मन झुक जांदा। किधर नूं झुकदा? गुरु की तरफ झुक जांदा। निबड़ा की है? गुरु वल नूं झुक जाणा। गुरु वल नूं नीमा होण दा मतलब की है संगत जी? के पाप विकार औगुण छड्डदे ने, शुभ गुणा नूं धारण करना, ये गुरु वल झुकना हुंदा। सत संतोख दया धर्म धीरज, ये गुण जदों मन विच आ जांदे आ तां समझ लो मन झुक गया गुरु वल नूं। सेवा विच प्रेम पैदा हो गया, सेवा करन लग पिया, कहिंदे मन झुक गया दा गुरु वल। बाणी पढ़न लग पिया, मन झुक गया गुरु वल। सिमरन अभ्यास करन लग पिया, मन झुक गया गुरु वल। संगत विच आउंदा है तां समझ लो मन गुरु विच झुक गया, गुरु वल झुक गया, इधर लग गया, इधर आ गया है। गुरु दी तरफ, परमेश्वर दी तरफ झुकण नाल ना जीवन विच परम आनंद प्राप्त हुंदा। दुनिया वल झुक के देख लो, दुखी दुख है, दुखी दुनी सहेड़ी है, जाए तो लगे दुख। दुनिया दे किसी पदार्थ वल भी झुक के वेख लो, कोई वड्डे तो वड्डा साधक साधना करदा, उहदे मन विच कोई पदार्थ दी इच्छा आउंदी है, मन उधर नूं झुकदा ना, उहदा उहदे मन विच कल्पना पैदा हो जांदी है, उहदी शांति भंग हो जांदी है। वो कल्पना मन नूं इन्ना तड़फा दिंदी है, वो फुरना, वो कामना पूरी नहीं होंदी, फिर उस कल्पना दे वहन दे विच ही जग्यासू बह जांदा। गुरु वल झुक लै, गुरु की तरफ तुर पै, आपे सब कुछ मगर मगर आ जाएगा तेरे। सूरज वल नूं मुख करके तुरीए, बड़ा सादा प्रमाण, हर एक ही दंदा सियाणा सुमतिवान जिहड़ा हुंदा वह बड़ा सोहना यह प्रमाण दिंदे आ, कहिंदे सूरज वल मुख करिए, परछावा मगर मगर तुरिया आउंदा। सूरज वल पिठ करके तुरो, परछावा अगे ते तुसी पिछे। इवें कहिंदे संसार दे सुख माया पदार्थ, ये परमेश्वर की छाया है, प्रभु की जिहड़ी ये छां मन्नी है। जिवें आपां कहिंदे नहीं वी मर्द की माया बिरख की छाया, मर्द की जिहड़ी माया ये छां मन्नी है। जिवें शरीर की छां तुहाडे नाल नाल चलदी है ना परछावा, इवें परमेश्वर का नाम जिहड़ा वाहिगुरु की भगती है, संसार दे सुख, संसार की माया दौलत, ये सारे नाम की छां भाई। जे गुरु साहब परमेश्वर वल मुख करके तुरीए, गुरु वल नूं झुकीए, तुरना की है बाणी सिमरन अभ्यास विच लगना, तो मगर मगर आपे तुरिया आउंदा सब कुछ गुरसिखां दे मगर मगर। और जे गुरु वल पिठ करिए, परमेश्वर वल पिठ करके तुरीए, परछावा अगे दौड़ेगा, तुसी पिछे रह जाओगे। जिमें यह बड़ा आश्चर्य है, परछावा कदे हाथ विच नहीं आएगा, लख जतन करके देख लो, प्रैक्टिकल करके देख लो, परछावा पढ़ोगे ना अपनी छाया जिहड़ी छां हुंदी है परछावा, वह तुहाडे हाथ विच नहीं आउंदा। कहिंदे सारी जिंदगी भटकी जा गुरु वल पिठ करके तुर, परमेश्वर वल पिठ करके तुर, भटकना ही रह जानी है, हाथ विच पल्ले कुछ नहीं आउणा, यह छाया परमेश्वर दी है, माया जिहड़ी है उहदी छां है, परछावा है। जे उधर नूं तुरेगा तेरे मगर मगर सारा कुछ ही तुरिया आएगा। इस करके महाराज कहिंदे आ जामा निमर सिमर सतनाम, के महाराज जदों सिमरन करीदा ना मन निभ जांदा, मन गुरु दी तरफ नूं झुक जांदा, झुकिया ही सब कुछ प्राप्त हुंदा। सात संग जी बिना झुके तो कुछ नहीं मिलदा।
एक बड़ी सुनी बड़ी सुंदर गाथा सिमरतियां विच आउंदी है। कहिंदे एक वेरी नदी दे प्रवाह दे विच पानी दा हड़ आ गया और हड़ भी इन्ना जोर दी आया ना जिन्ने कंडियां ते बिरछ लगे हुए सन सारिआं नूं जड़ां तों पुट के लै गया। कोई भी साबत ना बचिया, केवल बैंत जिहड़ा बांस हुंदा ना उस दा बूटा ही खड़ा रह गया, बाकी सब पुट्टे गए। वो सियाने पुरश ने जाके उस बांस नूं पुछया, कहन लगा हे बांस इस नदी दे हड़ दे पानी ने सारे रुख जड़ां तो पुट दिते, तू क्यों नहीं पुटिया गया, तू सही सलामत क्यों है। वो कहिंदा जदों पानी दा बड़ी जोर दी हड़ आया मैं उहदे सामने झुक गया, उहदे सामने झुकण नाल पानी मेरे उत्तों दी लंघ गया। जे कहिंदा इन्हां हंकारियां दी तरह मैं आकड़ के खड़ा रहिंदा ना, जिवें इह हंकार विच खड़े सन, तां मेरा भी नामो निशान नहीं इत्थों लभणा सी, मैनू भी जड़ां तों पुट के लै जाणा सी। झुकण करके मैं अपनी होंद हस्ती नूं बचा सकिया। देखो किन्नियां सोहणियां बड़ियां सिद्धांत पूर्वक उदाहरणां हुंदियां इन्हां ग्रंथां दे विच। विद्या प्राप्ति विच धार्मिक ग्रंथां दा अध्ययन बहुत जरूर करना चाहीदा, सारिआं नूं विद्या पढ़नी चाहीदी है। जसे दे सिंघां नूं बेनती करांगा कि विद्या वध तो वध पढ़िया करो, प्रेम नाल पढ़ो, अभ्यास करो। हुण तां बड़ी गुरु साहब की कृपा महापुरखां की असीस होई है, किन्ने किन्ने विद्वान तुहाडे कोले जथे दे विच हन। ज्ञानी गुरसेवक सिंह जी, सत्कारयोग ज्ञानी जीवा सिंह जी और भाई मेजर सिंह जी, होर जिन्ने भी सारे सिंह है, भगत जी है, बाबा धर्म सिंह जी है। सो भाई विद्या पढ़ो और इन्नी विद्या ग्रहण करो, इन्ना विद्या नूं गुरमत दी विद्या दे नाल नाल दूसरे ग्रंथां दा अध्ययन करो, ऐन खजाना भर लो अपना। पता लगे भी टकसाल दे सिंह बड़ी मेहनत करके विद्या हासिल कर रहे हैं। बड़ा सोहना लिखिया, विद्या तबलग पढ़ो जबला घट मैं प्राण, जह धनी पहुंचे नहीं तै पहुंचे विद्वान। धनी बंदे दी उत्थे पहुंच नहीं हो सकती, भावें सारी दुनिया का अमीर क्यों ना होवे, जिथे विद्वान चलिया जांदा। विद्वान का बहुत सत्कार है, विद्या बंदे नूं बहुत उच्चे दर्जे ते लै जांदी है। इस करके दुनिया का सब तो वड्डा धनाढ़ बंदा बिल गेट्स है अमेरिका विच, और बड़ा धर्मी मनुख है, बड़ा धर्मी दानी है साध संगत जी। पर वो इस जगह ते किवें पहुंचा, उन्हें विद्या दे सिर ते पढ़ के खोज की, उस विचों उन्हें सब कुछ प्राप्त होया। कला धन करके नहीं वो पहुंचा एड्डी वड्डी थां ते कि उन्हें धन ने उत्थे पहुंचाता, वो विद्या दे माध्यम नाल उत्थे पहुंचा है। इस करके विद्या पढ़नी चाहीदी है, विद्या दे विच बहुत कुछ। नाले जिहड़ी गुरमत दी विद्या धार्मिक विद्या तां परमेश्वर दा रूप मन्नी गई है, परमेश्वर दे बहुत रूपां दे विच्चों धार्मिक विद्या भी एक परमेश्वर दा रूप मन्निया गया है। संसार दी कल्याण धार्मिक विद्या द्वारा ही हो सकती है। इस करके कहिंदा वी मैं तां बच गया, मैं झुक गया, जिहड़ा गुरु दे दर वल नूं झुक गया वह बच गया, जिहड़ा गुरु वल नहीं झुकिया हंकार विच आकड़ के खलोता रहा ना वह टुट जांदा, उहदी होंद हस्ती समाप्त हो जांदी है, उहदी होंद नहीं रहिंदी संसार विच। झुकण वाले नूं सब कुछ प्राप्त हो जांदा। मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईआं तत। जथेदार बाबा गुरदयाल सिंह जी ने महापुरख ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा सुंदर सिंह जी नूं पिंडरां वालियां नूं पुछया सी कि महाराज महापुरखो नीति दा बचन कोई एक दस दिओ। उन्हां दा राजनीति दे विच बड़ा लगा सी, जदों मुल्तान जेल विच रहे उन्होंने मास्टर तारा सिंह जी नूं और इस तरह प्रिंसीपल गंगा सिंह, वड्डे वड्डे जिहड़े विद्वान सन, इन्हां सारिआं नूं उन्हां ने गुरबाणी दे अर्थ पढ़ाए सन।
ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਉਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲੀ ਆਤਮਾ ਸਨ, ਬੜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵਚਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾ, ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੀ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵੇਂਗਾ। ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੱਤ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੱਤ ਹੈ ਕਿ ਨਿਭ ਕੇ ਰਹੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਠਾਸ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਝੁੱਕੇ ਰਵੇਂਗਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਂਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਮਰਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਮਰਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਪੁੰਨ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ ਜਬ ਧਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਸਰ ਜਾਤ ਨ ਚਿਤ ਮੈਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਈਦਾ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿੰਨ ਸੋ ਤਬ ਕਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਜੋ ਤੁਮਾਰੇ ਔਰ ਅਭਿਆਸ। ਸਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ, ਨਹਿ ਦ੍ਰਿੜ ਭਇਓ ਕਰੋ ਨਿਰਜਾਸ। ਨਿਰਣੇ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦ੍ਰਿੜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਪੱਕ, ਐਨ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਬਸ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਰੱਟਾ ਲਾਓ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਖੀ ਤੋਂ ਔਖੀ ਵੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਖਜਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੁਲਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਥੰਮਣ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਸੱਤ ਬਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਆ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਚੇਤੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮ ਦੱਸੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਾਠ ਦੱਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋ ਦੱਸੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਕਰ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਜ਼ਬਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੱਕ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਈ, ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਭਾਈ, ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹੀ ਚੇਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਨਕ ਜਨਮ ਦੁਰਮਤ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਨਹੀਂ,
अनेकां जन्मां दे विच दुरमत दा व्यवहार कीता है। बंदे दे इक जन्म दी सांझ नहीं हुंदी, पता नहीं किन्ने किन्ने जन्म तो बंदा जा के फिर कितने मनुखा जन्म चंगी थां ते मिलदा, फिर संगत विच आउंदा, फिर बाणी नाल जुड़दा, फिर कितने जा के गुरसिखी नूं पा के बाणी नूं पा के तां कितने कल्याण हुंदी है। महाराज कहिंदे वी बहुत जन्मां दा दुरमत दा व्यवहार है, मनमत दा ओह ऐन मन विचों निकलिया नहीं। शास्त्र कहिंदे है बंदे तेरे जिहड़े संस्कार है ना, संस्कार तेरे सिमरती रूप दे विच अगले जन्म विच भी नाल जांदे है, ना देह जांदी है ना शरीर दा कोई होर हिस्सा जांदा, संस्कार जरूर नाल जांदे, अगले जन्मां तक भी चले जांदे, नाल ही तुरे जांदे है। और गुरबाणी दी भी अकट दलील है, जे ही सुरत ते है राहे जाए, जो जी सुरत विच धारना ख्याल संकल्प बने हुए है जां विच फसे हुए है, सुरत उधर नूं लै के इस जीव आत्मा नूं उस रस्ते तुर जांदी है। इस करके भाई एक संस्कार है जिहड़े अगले जन्मां तक भी कई कई जन्मां विच लखां जन्मां विच भी नाल तुरे जांदे है। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਮਿਟਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਆ, ਸੁਭ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਜੰਤ ਵਾਸ਼ਨਾ ਬਿਆਗਰੀ ਸਰਬ ਖਾਏ ਯਕ ਸੰਤ ਬਾਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚ ਹਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਰਮਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਅਭਿਆਸ ਬਲੀ ਔਰ ਧਾਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬੜਾ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਰੇਮਾਨ ਕਰਮ, ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ, ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਕਰਮ। ਸੰਚਿਤ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੁੰਬਕ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਰਾਉੜਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਉੱਗੜ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜੂਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫੁਰਨੇ ਉਹ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਾਪ ਕਰਮ ਮਿਟ ਜਾਣ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਏ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਮਿਟ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਲ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਆਪੇ ਅਭਿਆਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਭਇਓ ਅਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ 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 ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਹੇੜ ਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਸੌਣ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਰਬਧ ਮਾੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਘੜਾ ਜਲ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਛੋਲੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ,
रात नूं 12 बजे बाहर निकल के किरिया करके इशनान करके आ जाना। अभ्यास करद्या करद्या कहिंदे ऐसा होना सारे कमरे विच कंधा ते छत्तां ते मैनूं मूल मंत्र दे दर्शन होण लग पए। और वह मूल मंत्र भी नानक उसकी भी सच तक जपते सन, पूरा पाठ करते सन। ये तो मनमतियां ने मूल मंत्र की शक्ति घटाने वास्ते किसी मंत्र की, जिमें विश्वामित्र ने साध संघ जी गायत्री मंत्र जपया, समा तो थोड़ा लगेगा पर विचार कदे कदे महाराज संपूर्ण कराते हैं संगत की कृपा नाल। उन्हें वशिष्ठ मुनि का 101 पुत्र मार दिता, कतल कर दिता। और कतल भी इन्नी एक गल पिछे किया, जदों विश्वामित्र आया करे वशिष्ठ मुनि दे आश्रम ते, वो क्या करन, आओ राज ऋषि जी। राज ऋषि क्या करन, शस्त्रधारी होर लिबास राजियां वाला देख के गुस्से विच जांदे ने, एक पुत्र वढ देना तलवार मार के तीर मार के, इन्ना क्रोध आना। कहना मैनू ब्रह्म ऋषि क्यों नहीं कहा, हुण वशिष्ठ जी एक दिन सोचते है कि इन्हें मेरा 100 पुत्र मारता, इन्हू पाप ही नहीं लगा। पापी बंदे दा मस्तक पापी बंदे दे चेहरे तो अक्स दिखाई देन लग जांदा भी यह पाप आत्मा, पापी बंदे दे अक्स तो पता लग जाएगा कि पाप आत्मा है, पर चेहरे ते उही तेज उहदे विश्वामित्र दे। बंदा एक किसे जी हत्या कर दे पाप कर दे तां उह करोड़ां जन्म नहीं उहदा हिसाब सिर तो लैंदा, ते इहने मेरा 100 पुत्र मारिया इहनूं कोई पाप नहीं लगा। वशिष्ठ जी ने पता किया भी ये गायत्री मंत्र दा जप करदा उहदे नाल ए पाप अपना निवृत्त कर लैंदा। गुरबाणी च आउंदा ना, पांडे तुमरे तुमरी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेगा तगड़ी तोरी लांगत लांगत जाती थी। ये सारी ये शब्द की व्याख्या है। जे कदे अर्थ भाव विचार लाउणी होण, ये विचार उत्थे लायो। लोधा नाम वशिष्ठ दा खेत, ग्रिस्ती दी खेती की आ, उहदे बच्चे उहदी संतान है ना, होर ग्रिस्ती दी कैड़ी खेती है भाई। उहदी खेती उहदे बच्चे खा गया, सारे मार गया, पाप नहीं लगा। फिर वशिष्ठ ने गायत्री मंत्र जिहड़ा सी उहदे विच्चों कुछ शब्द तोड़े, उहनू खंडित किया। खंडित करन दे नाल जदों विश्वामित्र पढ़िया करे गल ना बणे। उन्हें फिर गायत्री मंत्र खंडित कर दिता वशिष्ठ ने, कि जेड़ा गायत्री मंत्र जपेगा कोई पाप करेगा उहदे पाप धोण विच दूर करन विच इस मंत्र विच शक्ति नहीं रहेगी। मंत्र नूं खंडित करन दा भाव हुंदा, मंत्र खंडित कर दिता, उहदियां मात्रा तोड़ दित्तियां, मंत्र उह फिर संगत दी शक्तिहीन हो जांदा। मूल मंत्र नूं भी खंडित कर दिता साढ़े कुछ चौधरियां ने, वह नास्तक लोकां ने कीता, जिहड़े नहीं चाहुंदे कि पूरी शक्ति बाणी चों नाम विच्चों मिले, उन्होंने खंडित कित्थों तक करता। कहिंदे मूल मंत्र गुरप्रसाद तक है खंडित करता। वाहिगुरु शब्द नूं भी खंडित कीता पसौड़ियां ने, हाहे दी सिहारी कट के वाह गुरु कर दिता उन्होंने। उदाहरण इको ही दे दिती, सेवक है भरपूर जुग जुग वाहगुरु तेरा सब सदका। वह तो सतगुरु जी ने वाहिगुरु शब्द की व्याख्या ही की है। गुरमंत्र तो वावे नू कन्ना हाहे नू सिहारी गगे नू औंकड़ रारे नू दलेंकड़े नाल ही पूरा बनता वाहिगुरु। पर पसौड़िया ने खंडित किया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच्चों कहिंदे राग माला कढ़ दिओ, बाणी नू शक्तिहीन करो, ये कर्म भी पसौड़िया ने किया। दसम की बाणी उत्ते भी उंगल चुकी, दसम की बाणी नाल गुरसिखां दे विच वीरस पैदा होना सी, धर्म के युद्ध नाल
ਧਰਮ ਦੇ ਜੰਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਭਾਈ ਸ਼ਕਤੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੰਡਿਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹ ਫਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਤਰ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਤੱਕ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਦ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਮਾ ਵਿਰਾਗੀ ਜੀਵਨ ਸੀ ਸਾਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਦ੍ਰਿੜ ਅਭਿਆਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਓ ਅਲਪੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਅਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਹਿਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਸੰਕਲਪ ਮਿਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਆ ਜਾਣੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰੇ ਜਗਦੇ ਐਂ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸਚਰਜ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਾਰਤਾ ਦੱਸੀ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜਰਨੈਲ ਸਿਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਰ ਰੂਪ ਨੂੰ ਜਰ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰੋੜਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੋਟ ਸੂਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਢਿਲਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਢਿਲਿਆਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜਾਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਮਹਿ ਆਪੇ ਅਭਿਆਸਾ, ਭਇਓ ਅਲਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹੇ ਮਾਇਆ ਤਾਰ, ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ, ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ,
हे पूरन हे सर्वमय दुख भंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी हो बनहार, हे संत है कै सदा संग निधारा आधार, हे ठाकुर हों दास रूप मैं निर्गुण गुण नहीं कोई, नानक दीजै नाम दान राखो ही है परोए, आए प्रभ शरणागति कृपा निद दयाल, एक अखर हर मन बस्त नानक होत निहाल, वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार, श्री वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार, जो सरदा कर सेम दे गुर पार उतारन हार, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू